दोस्तों, जब से हमारे गेम में ये कोरोना वायरस सॉरी कोरोना आया है ना, तब से डीजे आलोक का बिल्कुल ट्रेंड ही खत्म हो गया है। पहले समय था जब डीजे आलोक की इतनी ट्रेंड थी, हमेशा लोग डीजे आलोक के बारे में पूछते थे, लेकिन जब से ये कोरोना आया है तब से डीजे आलोक को कोई पूछता तक नहीं है। अब मैंने अपने इस दूसरे पुरानी आईडी में लॉगिन किया तो मेरे पास इसमें कोरोना नहीं है, तो मैंने डीजे आलोक को देखा तो याद आया कि यार एक समय था जब छोटे बच्चे कहते थे कि भाई मुझे डीजे आलोक दे दो, तो समझ सकते हो कि डीजे आलोक का कितना ट्रेंड था। चलो आज तो कोई डीजे आलोक के साथ खेलते नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी सिर्फ कोरोना के साथ ही खेलते हैं, लेकिन आज हम अपने डीजे आलोक को याद करने के लिए इनके साथ गेम प्ले करने वाले हैं। तो फिर चलो करते हैं दो दो हाथ अपने डीजे आलोक के साथ। चलो अभी उतरते हैं अपने ब्लू जोन में, क्योंकि यहाँ पे लूट अच्छी खासी मिल जाती है और बंदा भी आ रहा है। देखो एक बाएं साइड में बंदा है और एक राइट साइड में बंदा है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें कौन सा गन मिलता है। ओके, तो नीचे हमें एक गन दिखाई दे रहा है, पहले इस गन को लूटते हैं। तो हमें मिल चुका है खतरनाक गन। ओके, तो यहाँ पे बंदा, इसको मैंने एक फटका दिया। अब देखो इसका पैर दिख रहा है, अरे पैर दिख रहा है भाई। ओके, तो मैंने पहला कल निकाल लिया है। अब इसका बाउंटी लूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी मैं लूट जोन में हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लूट अच्छी खासी मिल जाएगी। आज हम डीजे आलोक के साथ अपना गेम प्ले कर रहे हैं बहुत दिनों बाद। ओके, अभी देखो इधर से किसी बंदे ने फायरिंग करी, अरे यहाँ पे लेट के क्या कर रहा है। ओ भाई चलो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। देखो भाई, बात यह है ना कि मैं इस आईडी से बिल्कुल खेलता नहीं हूँ, इसलिए मेरा जो अभी रैंक है वो ब्रॉन्ज के बाद जो सिल्वर होता है उस पर है। तो जाहिर सी बात है सिल्वर पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही बंदे जो बिल्कुल गेम नहीं करते या बिल्कुल बहुत कम ही खेलते हैं, जिसे हम अपनी फ्री फायर की भाषा में कहते हैं नूब। ओके, तो ये नूब की तरह भाग रहा था, मैंने हेडशॉट तो नहीं दिया लेकिन बॉडी शॉट से ही ख़त्म हो गया। ये बंदा पहले से डैमेज था इसलिए एक गोली में ही ख़त्म हो गया। ओके, तो चलो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट बंदे की तलाश में। तीन किल हमारे हो चुके हैं, अभी गाड़ी ले लेते हैं हम, क्योंकि बंदे को ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिल्वर पे खासकर बंदे बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं, वो कैंप नहीं कर पाते। अभी देखो यहाँ लॉन्च पैड से कोई गया है, चलो हम लॉन्च पैड से चलते देखते हैं, अगर वहाँ पे कोई बंदा होगा तो उन्हें हम पहले लपेटेंगे। ओके, तो लॉन्च पैड से हैकर की तरह उड़ता हुआ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। कोई नहीं, यहाँ पे जरूर बंदा होगा, चलो देखते हैं। अरे यहाँ पे एक बंदा है, रुक जाओ रुक जाओ। लगा नहीं। ओ भाई इतनी बेचैनी, अरे सामने डीजे आलोक है, रुक जाओ भाई, ये लो। बंदा ख़त्म हो चुका है और इस तरह से मेरे चार किल हो चुके हैं। देखो ये डीजे आलोक का जो रेज फैलता है ना, देखने में क्या ओपी लगता है भाई, सही बता रहा हूँ। एक तो इससे हेल्थ बढ़ती थी हमारी और हमारे टीममेट की भी, तो इसका ट्रेंड बहुत ही था। जब हमारे गेम में ये डीजे आलोक था तो कितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, जो भी नए नए कैरेक्टर आते थे, तो सबको लगता था कि यार डीजे आलोक को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। लेकिन जब से ये क्रोनो आया, तो क्रोनो जब आया तो नए नए में लोग उतना नहीं खेलते थे क्रोनो के साथ, लेकिन धीरे धीरे क्रोनो की जब एबिलिटी के बारे में लोगों को पता चला तो फिर सभी लोग सिर्फ क्रोनो से ही खेलने लगे। ओके, तो हमारे हो गए हैं चार किल, चलो देखते हैं कि डीजे आलोक आज क्या कुछ कर पाता है, कितने किल निकाल पाता है इस गेम में। अभी हम ले लेते हैं धूम थ्री का बाइक। ओके, रुको रुको मैं धूम थ्री का बाइक ले लेता हूँ, इससे ढूंढते हैं बंदे को, मिलेगा तो फिर देखेंगे। अरे यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से आ रहा है, देखो एक मिनट। अरे ये क्या कर रहा है यार, मेरे वेपन से गाड़ी को तोड़ रहा है। रुको इसको मारते हैं, अभी हेडशॉट लगाया इसको और एमेटिटेशन से ख़त्म। ओके, तो पांच किल निकाल लिए है। ये जो कर रहा था ना, ये बिल्कुल लॉल हो गया इसके साथ। वैसे देखो इसमें तो मेरे पास इमोट नहीं है क्योंकि इस आईडी से मैं बिल्कुल खेलता नहीं हूँ, तो मेरे पास इसमें कोई कलेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने एक पैसे खर्च नहीं किए, बस जो पैसे खर्च किए मैंने डीजे आलोक को लेने के लिए। लेकिन इसमें गन का स्किन बहुत अच्छा अच्छा गन का स्किन है जो फ्री में मिल चुका है मुझे। ओके, तो अभी बीमा शक्ति पे आ चुके हैं, शायद नीचे की साइड बंदा होगा, चलो ढूंढते हैं बंदे को, अगर बंदा मिलता है तो फिर। अरे यहाँ पे एक बंदा दिखाई दे रहा है, दो दो बंदे हैं। पहले इसको एक बॉडी शॉट दिया मैंने 111 का, अभी चलो रस करते हैं, देखते हैं कि दो दो बंदे यहाँ पे, दोनों शायद फाइट करेंगे। हाँ दोनों देखो फाइट करने लगे, चलो पीछे से चलते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अरे इसने डाउन कर दिया शॉट गन से, ये एक गोली का ही था इसने, मैंने जैसे ही इसे मारा तो ये मर गया। चलो इसके लूट बॉक्स से हम लूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, पिक की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों 6 किल हो चुके हैं हमारे, यहाँ पे इस लूट बॉक्स में देखते हैं क्या है।
अरे अरे कहाँ से डैमेज दे रहा भाई? ओहो यहाँ पे छुप के बैठा है। चलो इसको हेडशॉट दे दिया मैंने अपने शॉटगन से, और इस तरह से मेरे डीजे आलोक सर ने 7 किल निकाल लिए हैं। इनका रेज फैलता है, एचपी बढ़ती है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल इसके लूट बॉक्स से मुझे कुछ नहीं मिला। ओके तो अभी 4 बंदे अलाइव है। अभी देखो हमारे स्कैनर में 2-2 बंदे दिखाई दे रहे हैं और दोनों बंदे सॉर्टेड हो चुके हैं। चलो सबसे पहले इनको नपेटते हैं हम। ओके तो हम अभी धीरे धीरे जा रहे हैं बंदे के पास। अरे एक बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, फिर भी स्कैनर में एक बंदा दिखाई दे रहा है। अरे देखो ये यहाँ पे नीचे साइड, अरे नीचे साइड भी है, पीछे से मारा, पीछे भी बंदा है यहाँ पे। चलो ग्लूवल के पीछे है 99 का डैमेज, एक और 99 का डैमेज, और यहाँ पे बंदा M82V के सामने कुछ नहीं कर सकता और ख़त्म। तो इस तरह से डीजे आलोक सर ने 9 किल निकाल चुके हैं, और अभी लास्ट बंदा पता नहीं कहाँ पे होगा। चलो ढूंढते हैं उनको। अभी स्कैनर ऊपर की साइड है, तो स्कैनर में देखेंगे कि अगर वहाँ पे बंदा होगा तो दिख ही जाएगा स्कैनर में। एक समय था जब हम सर्वाइव अरे बंदा दिख गया। तो मैं ये कह रहा था कि एक समय था जब स्कैनर देखते थे तो हम फोड़ देते थे स्कैनर को क्योंकि स्कैनर में हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और फिर हमारा रैंक पुश कर। अरे ये बंदा देखो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, ये बंदा देखने में अजीब लग रहा है यार, भाग रहा है वो। चलो इसको पीछा करते इसका हम। अभी देखो नीचे की साइड भागा है वो। अरे देखो मैंने इसको एक शॉट मारा, अब ये सामने क्या कर रहा है, अरे भाग रहा है, ये बोट की तरह भाग रहा है देखो। चलो इसको बिना स्कोप के ही मारेंगे हम, और मैंने इस बंदे को मार दिया है, और यहाँ पे ओपी वाला भैया निकाल लिया है मैंने। 10 किल हो चुके हैं दोस्तों। डीजे आलोक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप बताइए कि क्या आप डीजे आलोक के साथ खेलते हैं या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।